हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके ना परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज मैं डिस्कस करूँगा फाइनेंस फॉर एवरीवन। तो ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंदर इसको दिया गया है, और ये जो सब्जेक्ट है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के अंदर जिन भी स्टूडेंट ने ले रखा है दोनों के लिए सेम सिलेबस है, सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूँगा। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न भी, इसका पेपर कितने नंबर का आता है, कैसा पेपर आता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली ये जो पेपर है नया नहीं है, आपके लिए नया क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, बट ये पेपर 2022 में ही आ चुका था और 2022 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में ले लिया था उनको दोबारा से लेने का मौका नहीं मिला होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने से पहले हम इसका थोड़ा सिलेबस जान लेते हैं कि सिलेबस है क्या। तो जैसे कॉमर्स का है तो ये जो पेपर है दोनों लैंग्वेज में आएगा, कॉमर्स डिपार्टमेंट में दोनों लैंग्वेज में आता है, ठीक है। तो इसमें पहली जो यूनिट है वो है आपका इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट आपको इसमें पढ़ना होगा। आप देखते हो मोबाइल ऐप बेस्ड, तो बहुत ईजी है। मैं कहूँ पेपर इतना हार्ड नहीं है, पेपर बहुत ईजी है। सब ये है कि कॉमर्स बैकग्राउंड का सब्जेक्ट है, ठीक है। यूनिट टू में आप पढ़ोगे बैंकिंग सर्विसेज, जिसमें आपका RTGS रहेगा, NFT रहेगा, बैंकिंग टाइप्स कितने तरीके के होते हैं, KYC फॉर्म के बारे में पढ़ोगे, तो सारा बैंकिंग के ऊपर आप पढ़ोगे, ठीक है। थ्री में पढ़ोगे आपका फाइनेंशियल सर्विस फ्रॉम इंडिया पोस्ट, यानी जो स्पीड पोस्ट है, इंडियन पोस्ट है, उसके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, कि उसकी क्या क्या स्कीम रहती है। फिर चौथे में यूनिट में पढ़ोगे इंश्योरेंस टाइप, मान लो इंश्योरेंस सर्विस, कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, कितने टाइप की पॉलिसीज होती है, ठीक है। इंश्योरेंस किसे कहते हैं, किसी भी इंश्योरेंस के बारे में पूछ लेगा तो ये सारा रहेगा। इंश्योरेंस की स्कीम क्या है, विशेषता क्या है, तो यूनिट फोर में आप ये पढ़ोगे। फिर आप यूनिट फाइव में पढ़ोगे स्टॉक मार्केट, जो कि आज के टाइम पे मुझे लगता है कि मोस्टली जितने भी स्टूडेंट हैं वो ट्रेडिंग वगैरह करते भी होंगे। वैसे मैं नहीं करता क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है, बट जो भी स्टूडेंट है वो कर रहे होंगे। डीमैट अकाउंट कई स्टूडेंट का खोला होगा, ठीक है। तो कईयों का तो ऐसा है जो बैंक से ही उनका ओपन हो जाता है। अगर आप SBI में अगर आपका अकाउंट होगा तो डीमैट जरूर खुला होगा आपका, वरना कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो डीमैट अलग से खुलवाते हैं। तो डीमैट की ही यहाँ बात हो रही है, ठीक है। तो जो स्टॉक्स, जो मार्केट की जो ट्रेडिंग करते हैं, जो स्टॉक खरीदते हैं, उसके बारे में आप पढ़ोगे। तो कुल मिला के बात यह है कि काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है आपके लिए और काफ़ी कुछ सीखने को इसमें मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी बात है, BA प्रोग्राम के स्टूडेंट को भी फाइनेंस फॉर एवरीवन दिया गया है, ऐसे स्टूडेंट को भी फाइनेंस फॉर एवरीवन दिया गया है जो कहीं ना कहीं कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते। तो ये वीडियो ऑल कोर्सेज के लिए, मैंने बार बार कह रहा हूँ, और SOL, NCF और रेगुलर तीनों के लिए है, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं पैटर्न लेकर आता हूँ। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज मैं बता रहा हूँ। पहला जो इंपॉर्टेंट रहेगा, वित्तीय साक्षरता क्या है। वित्तीय साक्षरता के दायरे और महत्व संक्षेप में लिखिए, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने बता दिया है। फिर आपका 5C दृष्टिकोण क्या है, ये भी आता है आपका, ठीक है। तीसरा आपसे पूछा गया है वित्तीय साक्षरता का ज्ञान क्यों आवश्यक है। मैं पैटर्न दिखाऊंगा इसका, टेंशन मत लीजिए, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ठीक है। वित्तीय साक्षरता का ज्ञान क्यों आवश्यक है, वित्तीय साक्षरता वित्तीय कौशल और घटक क्या है, ठीक है। फिर आपका रहेगा वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं, वित्तीय संस्थान का क्या महत्व है, वित्तीय संस्थान के कार्य का भी उल्लेख करें। फिर आपका बैंक को परिभाषित करें, देखिए बैंक तो आप जाते होंगे, अकाउंट आपका होगा, सेविंग, डीमैट जो भी है, बट बैंक होता क्या उसको परिभाषित करें। बैंक के प्राथमिक कार्य क्या है, तो काफ़ी स्टूडेंट के लिए तो बैंक का प्राथमिक कार्य यही रहेगा कि भाई जाओ और पैसा लेकर आओ, ठीक है। फिर आपका बैंकिंग संस्थान का महत्व क्या है, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका महत्व क्या है, काफ़ी ज़्यादा महत्व है आज के टाइम पर, तो आपको पता ऑनलाइन शॉपिंग्स, ऑनलाइन परचेसिंग सब कुछ चल रहा है आपके बैंकिंग से, ठीक है। फिर आपका है वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक। सहकारी बैंक गांव देहात में आपको देखने को मिल जाएगा, दिल्ली में भी कुछ कॉपरेटिव बैंक्स हैं, बट जैसे आप सोसाइटी की बात कर लो जो कॉपरेटिव बैंक से इंक्लूड रहती है, बट वरना मोस्टली तो आपको मेन बैंक ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो दोनों के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। फिर आपका है बैंक के द्वितीयक या गैर बैंकिंग कार्य क्या है। एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली उपयोगिता सेवाओं का भी उल्लेख करें, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आपका बीमा क्या है, देखिए बीमा ऐसा मैं कहूँगा आज के टाइम पे इतना ज़रूरी हो गया है लोगों के लिए, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। आपने ऐड वगैरह देखा होगा, काफ़ी ऐड आता है बीमा का, ठीक है। तो बीमा क्या है आपसे पूछेगा, बीमा की बुनियादी विशेषता क्या है, ठीक है। फिर आपका है भारत में विभिन्न प्रकार की बीमा कंपनियां क्या है, विभिन्न प्रकार की कंपनीज के बारे में आपको बताना है। जैसे एक तो मेन है LIC है, कई सारी कंपनीज है,
फिर आपका जीवन बीमा कंपनियों सामान्य बीमा कंपनियों के कार्यों को संक्षेप में बताइए। एक होती है जीवन बीमा कंपनी और सामान्य बीमा। देखिए जीवन बीमा तो जो आपसे जीवन से जुड़ी हुई होती है, जैसे एक्सीडेंटल बीमा, ठीक है, डेथ बीमा। एक होता है आपका सामान्य, सामान्य बीमा जैसे आपका फ़ोन का इंश्योरेंस आप करवाते हो, ठीक है, आप अपने क्या कहते हैं फ़ोन आईफोन का इंश्योरेंस करवाते हो, आपके मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस करवाते हो, आपका घर का इंश्योरेंस होता है। दोनों में अंतर आपको बताना है, संचय में बताना है, इनका कार्य में और जो भी है आपसे अंतर ही पूछ सकता है, ठीक है। फिर आपका मोबाइल ऐप का क्या महत्व है और मोबाइल ऐप क्या होते हैं, ये तो आपको पता होगा मोबाइल ऐप के पर महत्व क्या है, ये भी आपको बताना होगा। फिर आपका रहेगा एक राष्ट्रीय वज की विशेषता क्या है, व्हाट आर द ऑफ द नेशनल वज, ठीक है। फिर आपका रहेगा वित्तीय नियोजन से आप क्या समझते हैं, वित्तीय नियोजन के उद्देश्य क्या है, इसका क्या महत्व है, जो वित्तीय नियोजन से आप क्या समझते हैं और वित्तीय नियोजन के उद्देश्य क्या है, इसका क्या महत्व है, ठीक है, ये पूछेगा। फिर आपका रहेगा सुकन्या समृद्धि खाता क्या है और विस्तार से समझाइए। सुकन्या समृद्धि खाता आज के टाइम पता है महिलाओं के लिए है, गर्ल्स के लिए होता है, इस खाते की क्या विशेषता है, इस विस्तार से समझाइए। फिर आपका भारतीय पोस्टल ऑर्डर पे एक नोट लिखिए, जो भारतीय पोस्टल ऑर्डर होता है इस पर आपको नोट लिखना है, ठीक है। फिर आपका है बीमा को परिभाषित करें, बीमा की विशेषता क्या है। फिर आपका भारतीय जीवन बीमा निगम LIC पर एक नोट आपको लिखना पड़ेगा, तो बीमा को आपको परिभाषित करना है, उसकी विशेषता क्या है, ठीक है। फिर आपका भारतीय पोस्टल ऑर्डर पर एक नोट लिखे, ये बता चुका हूँ, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC पर एक नोट लिखे, LIC के बारे में आपको बताना है। किन्हीं तीन पेंशन योजना का वर्णन करें, किसी तीन ऐसी पेंशन जैसे अटल योजना पेंशन, कई सारी पेंशन है, उन तीन पेंशन के बारे में आपको बताना है, कोई भी तीन पेंशन, ठीक है। फिर आपका सार्वजनिक मुद्दे के प्रमुख चरण क्या है, जो सार्वजनिक मुद्दे होते हैं उनके प्रमुख चरण क्या है, ठीक है। फिर आपका रहेगा म्यूचुअल फंड, देखिए आ गया म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड बाजार निवेशों के अधीन है, आई थिंक ऐसी मैं सुना है न्यूज़ में, ठीक है, जुड़ने के लिए लॉगिन करें, जो भी है म्यूचुअल फंड क्या है इसके बारे में बताना है, इसकी विभिन्न योजनाएं क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसका कार्य क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, कुछ ही पूछ लेगा। फिर आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE, यानी आपके आपके स्टॉक मार्केट से, ठीक है, पर एक नोट लिखे। फिर आपका रहेगा एक मिनट, हाँ, फिर आपका रहेगा डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका मेन फीचर्स क्या है। तो जो बॉम्बे स्टॉक होते हैं उनके फीचर्स आपको बताने हैं, ठीक है, उनकी विशेषता आपको बतानी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर आपका नेक्स्ट है आपका जोखिम से आप क्या मतलब है, जोखिम का आपका क्या मतलब है, विभिन्न प्रकार के जोखिमों का वर्णन करें, कहते नहीं है म्यूचुअल फंड जोखिमों के अधीन है, उसका मतलब क्या है, आप जोखिम का प्रबंधन कैसे करोगे, सिंपल सा बात है, प्रबंधन का क्या है, जिस पर अनाप शनाप पैसा है उसके लिए चला भी गया तो दोबारा कमा लेगा, उस पर इतना है वो ब्याज से उठा लेगा, ठीक है। शेयर का क्या अर्थ है, जो शेयर होता है उसका क्या मतलब है, इक्विटी तहजी शेयरों को वर्गीकृत करें, ठीक है, बस यही है। और एक क्वेश्चन और है जो कि मैं मुझे लगता है नोट करना भूल गया, इंडियन पोस्ट ऑफिस के ऊपर ही पूछ सकता है, जो डाक विभाग है, ठीक है, ये भी करके चले जाना, मैंने सिलेबस तो दिखाई दिया। अब जरा पैटर्न देख लीजिए पेपर इसका आता कैसा है, तो देखिए फाइनेंस फॉर एवरीवन का पेपर है, इसी साल का पेपर है, ठीक है, तो ये पेपर आपका 30 नंबर से लेकर 60 नंबर तक आपका आ सकता है, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ 30 नंबर से लेकर 60 नंबर। एक्चुअली ये जो पेपर है दो पार्ट्स में आपका डिवाइड रहेगा, ए और बी पार्ट में, ए पार्ट जो रहेगा वो 30 नंबर का होगा और दूसरा पार्ट आपका 40 नंबर का होगा, आई थिंक 30 नंबर का, ठीक है, 60 नंबर का रहेगा, मैं बता देता हूँ, मैक्सिमम 60 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं पहले वो देख लीजिए, देखिए डाकघर द्वारा जमाकर्ताओं को दी जाने वाली विभिन्न बचत जमा योजना क्या है, तो मैं यही बता रहा हूँ क्वेश्चन इसमें इसी तरीके से बनते हैं, ठीक है, मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर का भी एक पेपर दिखाऊंगा, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पेपर हुआ था, ये सेकंड सेमेस्टर का पेपर है, ठीक है। और दूसरा पूछा गया बजट भविष्य का एक निर्दिष्ट अवधि में राजस्व व्यय के अनुमान को संदर्भित करता है, इस कथन के आलोक में बजट कितने प्रकार के होते हैं, देखिए बजट के ऊपर पूछ लिया इन्होंने। ई भुगतान के लिए मैं इसलिए करवा रहा हूँ पेपर, ये भी इम्पोर्टेंट में आप जोड़ लेना, ठीक है, ई भुगतान
त्वरित और कुशल है और फंड ट्रांसफर आमतौर पर तुरंत होता है। इस कथन के आलोक में डेबिट और क्रेडिट कार्ड की व्याख्या कीजिए। तो ये बैंक से जोड़ा हुआ आ गया, ठीक है। फिर आपका बीमा आपके जोखिमों को प्रबंधित करने का एक तरीका है। बीमा कंपनी द्वारा पेश की जाने वाली विभिन्न प्रकार की बीमा पॉलिसियाँ क्या है, तो देखिए ये हमने इंपॉर्टेंट में अभी डिस्कस किया था। फिर आपके ब्राइट शॉर्ट नोट पूछे जाएंगे, निफ्टी, ठीक है, फॉलो अप, सार्वजनिक प्रस्ताव, बोनस शेयर, म्यूचुअल फंड, ठीक है। फिर ये आपका बी पार्ट है, बजट से तात्पर्य भविष्य की निर्दिष्ट अवधि में राजस्व व्यय के अनुमान से है। इस कथन के आलोक में बजट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया व्यक्तिगत वित्त में इसके महत्व को समझाइए, ये ऐसे ही पेपर आता है कॉमर्स का। एक प्रभावी और वित्तीय योजना बनाने वाले प्रमुख कदमों पर चर्चा कीजिए, ये कैसे व्यक्तियों को उनके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया बी पार्ट में, बीमा आपके जोखिमों को प्रबंधित करने का एक तरीका है। बीमा कंपनी द्वारा पेश की जाने वाली विभिन्न प्रकार की बीमा पॉलिसी कौन सी है, देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन से बनते हैं। शेयर बाजार के ऊपर आ गया, आ जाएगा क्वेश्चन। फिर शॉर्ट नोट्स तो पूछेगा, निफ्टी हो गया, एंडोमेंट पॉलिसी हो गई, IMPS हो गया, FP हो गया, ठीक है। तो ये तो सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का और देख लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर का भी मेरे पास पेपर है, तो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। ये पेपर 30 नंबर का फर्स्ट सेमेस्टर में आया था, बट मैं 30 नंबर का नहीं कहूँगा क्योंकि दो पार्ट इसमें थे, एक 30 का था एक 40 का भी था। तो आप देख लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ, हो सकता है कि इस बार या तो 30 नंबर का फर्स्ट सेमेस्टर का आ जाए और थर्ड सेमेस्टर का हो सकता है 60 नंबर का आ जाए। तो नंबर को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा, नंबर की मैं बात यहाँ नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पेपर कैसा पैटर्न इसका आता है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप इसे लिख सकते हो। ये देखिए इसमें आपके दो पार्ट है ही नहीं, देख सकते हो 30 नंबर का पूछा गया फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, जबकि सेकंड सेमेस्टर में दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ, मैं पेपर इसे दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी पेपर पहले भी हो चुका है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन, एक वित्तीय योजना एक ऐसा दस्तावेज है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख लेना। एक ऋण को एक संपत्ति, धन, भौतिक, इस तरह के क्वेश्चन में बनते हैं आपके सामने का। पोस्ट ऑफिस का जरूर करके जाना, बार बार कह रहा हूँ, आता जरूर है। पोस्ट ऑफिस देश में सबसे पुराना है, पहले तो कहानी पढ़े हो, फिर उसके बाद भी एक क्वेश्चन पूछेगा, देख सकते हो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। फिर ब्राइट शॉर्ट नोट, PPF, ई मनी, सेकेंडरी मार्केट, सुकन्या समृद्धि योजना, देखिए आगे ना ये ई मनी वाला जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये ऐसे पेपर है इसका आता, पेपर ईजी है बट थोड़ा सा कॉमर्स टाइप है, ठीक है। वीडियो कैसे लगी जो बताएगा। थैंक यू।